हम आपके साथ हैं। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में दुनिया के सभी देशों से आए प्रतिनिधियों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस महासम्मेलन के समक्ष किया था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस ने साथ ही यह भी घोषणा की कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हम आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता, स्वशासन, पारस्परिक भूमि क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों समेत अनेक सभी अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा को पूरी तरह समझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वोराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्राइबल डे पर आदिवासियों से जुड़ी कुछ रोचक और मूलभूत समस्याओं पर। आदिवासी दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है। इसके अर्थ की बात करें तो इसका मतलब मूल निवासी होता है। बता दें कि हमारे देश भारत की जनसंख्या का 8.6% माने लगभग 10 करोड़ के बराबर एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। आदिवासियों को पुरातन लेखों में अथविका और वनवासी भी कहा गया है। बता दें कि भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है। देश के प्रमुख आदिवासी समुदायों में बोडो, भील, उरांव, परधान, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बिरहोर, पारथी, आंध, मल्हार कोली, टाक्कणकार, टोकरे कोली और महादेव कोली आदि शामिल हैं। विश्व आदिवासी दिवस न केवल मानव समाज के एक हिस्से की सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषता का द्योतक है, बल्कि उसे संरक्षित करने और सम्मान देने के आग्रह का भी एक सूचक है। आदिवासी समुदायों की भाषा, जीवन शैली, पर्यावरण से निकटता और कलाओं को संरक्षित और संवर्धित करने के प्रण के साथ आज यह भी संकल्प लिया जाए कि अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाए। वर्षों पूर्व जब अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाकर शासन करने आए तो यहाँ के आदिवासियों ने ही सबसे पहले सशस्त्र विरोध कर स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। कुपित होकर अंग्रेजों और उनके इतिहासकारों ने इन आदिवासियों के बारे में बर्बर, हिंसक और असभ्य जंगली कहने का दुष्प्रचार ऐसा स्थापित किया कि आजाद भारत में भी कमोबेश वही नजरिया आज भी कायम है। तभी तो आदिवासियों के उसी संशय भ्रम की निगाह से देखा व समझा जाता है। आज भी जब वे अपने अस्तित्व और अस्मिता पर मंडराते संकटों का सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की भांति इन्हें कभी विकास विरोधी तो कहीं नक्सली माओवादी कहकर लांछित प्रताड़ित किया जाता है। यही नहीं, अब तो देश के संविधान प्रदत्त प्रावधानों में अधिकारों को लागू करने की आवाज उठाने के प्रतीक के रूप में झारखंड के अपने गांव में ही पत्थर गाड़ने पर मात्र पर इन्हें देशद्रोही तक कहा जाता है। दुखद है कि उनके आसपास जीने रहने वाले व्यापक समाज के लोग भी इस दुष्प्रचार व आरोप को सही मानकर इनके दमन उत्पीड़न पर मौन है। इनके पत्थर गाड़ी करने का एकमात्र कारण है कि इनके बचे खुचे जंगल इलाके सरकार द्वारा बड़े निजी घरानों को लूट की खुली छूट दी जा रही है। एक वास्तविक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की नागरिक की हैसियत से हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने ही देश समाज के अभिन्न अंग जिस आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया, हम भी संयुक्त राष्ट्र संघ के उस वैश्विक मानवीय संकल्प को आत्मसात करें और एक साथ मिलकर कहें कि हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।